सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान बिग हीरो स्पेशल ऋचा अनिरुद्ध के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हम सब लोग अपने अपने परिवारों के और समाज के तय किए हुए दायरों में बंधे होते हैं। अच्छे घर के लोग ये नहीं करते, अच्छे घर के लोग वैसा नहीं करते, लेकिन हम में से जो लोग इन दायरों को तोड़कर बाहर निकल पाते हैं और कुछ ऐसा कर पाते हैं जो शुरू में तो सुनने में देखने में अटपटा लगे, लेकिन किसी और की जिंदगी बेहतर बनाने का काम करे, ऐसे ही लोग कहलाते हैं बिग हीरो। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध, और आज जो मेरी बिग हीरो हैं उनका नाम है गीतांजलि बब्बर, जो कट कथा चलाती हैं दिल्ली की बदनाम गलियों में। मेरे साथ जुड़ी हैं गीतांजलि बब्बर और कटकथा की एक वॉलंटियर मानसी। गीतांजलि, मानसी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग हीरोज में। थैंक यू। गीतांजलि, कट कथा, सबसे पहले तो इस नाम के पीछे की कहानी मुझे बताएं। सो कट कथा नाम अपने आप में गिफ्ट है। तो एक बहुत ही प्यारी सी दीदी है, उन्होंने चार नाम दिए, उनमें से एक ये नाम था कट कथा, और ये एक बंगाली वर्ड है जिसको बोलते हैं कौतो कथा। हमने इसको कटकथा बना दिया है, और हमारी दीदियां तो एक्चुअली कठपुतली की ही जिंदगी जी रही हैं, और हम कर क्या रहे हैं, हम वहां की कथाएं पूरी दुनिया को बता रहे हैं। और मैं अपने लिसनर्स को बता दूं कि जिन लोगों को दीदी कहकर बुला रही हैं गीतांजलि, वो दरअसल हमारे दिल्ली के जीबी रोड की सेक्स वर्कर्स हैं। गीतांजलि, सबको बताएं आप कि कटकथा में आप लोग काम क्या करते हैं। कटकथा एक संस्था नहीं है, सबसे पहले तो कटकथा एक ऐसा परिवार है जो इस टाइम पे जीबी रोड पे केवल प्यार बांट रहा है। अगर काम में पूछे तो हम लोग सरकार के साथ मिलकर उनको इलेक्शन कार्ड दिलवाना, आधार कार्ड दिलवाना, बच्चों को बर्थ सर्टिफिकेट दिलवाना, बच्चों का एडमिशन करवाना, ये सब कुछ काम हो रहा है, और इंटीग्रेशन में पूरी दुनिया को वहां पर लेकर जाना, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि एक बहुत खूबसूरत सड़क है जिसको हमने बहुत बदनाम गली के नाम से जानते हैं, और वहां की दीदियों को भी ये बताना कि बाहर बहुत सुंदर है, क्योंकि उनके लिए बाहर बहुत गंदे लोग रहते हैं तो वो बाहर आने से डरती हैं। तो ये इंटीग्रेशन करना दोनों के बीच में, और थर्ड है हमारा स्किल्स का। तो जो दीदियाँ ये सोच के बैठ चुकी हैं कि मैं केवल सेक्स वर्क ही कर सकती हूँ, उनको एक नई कला देना। हम नोटबुक बनाते हैं, हमारी एक नोटबुक में स्टोरी आती है दीदी की, तो वो पांच वर्जन्स में हमने स्टोरी को बांटा हुआ है, जिसमें लिखा है कि जब हम पहली बार जाते हैं दीदी के पास कुछ लेकर, तो पहला रिएक्शन, नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरे कोई कौन खरीदेगा सेक्स वर्कर की चीजें। फिर धीरे धीरे जब वो देखते हैं, अच्छा मैं ट्राई करती हूँ, फिर तीसरी बारी में होती है, अच्छा मैं कुछ तो बना ही पा रही हूँ, खराब हो रहा है लेकिन बना पा रही हूँ, और पांचवे वाले पे आते आते वो इतनी कॉन्फिडेंट हो जाती है, तो कुछ भी बनवा ले हमसे, लिफाफे बनवा ले छोटे छोटे, मुझे वो बनाने आते हैं मूंगफली वाले, बस मैं बनाना चाहती हूँ कुछ। सो दैट इज द कॉन्फिडेंस जो उनको बाहर जाकर हेल्प करेगा। एंड लास्ट पार्ट इज एडुकेशन, तो उसमें हम उनके बच्चों के साथ काम करते हैं, और उनके बच्चे सब अलग अलग, इसमें अभी हमारे बच्चे एनएसडी में भी लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए। सो या दिस इज हाउ वी आर जस्ट ट्राइंग, हर बच्चे के सपने को वो भी पूरा कर रहा है और हम भी कोशिश कर रहे हैं पूरा करें। एक ना, सारे बिग हीरोज में मैंने एक बात देखी है, ये लोग इतना महान काम, इतना बड़ा काम कर रहे होते हैं, इतना नेक काम कर रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह से ये लोग बताते हैं, ऐसा लगता है बड़ा आसान है, ऐसे ही काम शुरू किया होगा और हो गया होगा। ऐसे ही गीतांजलि सारी कहानियां हमको बता रही हैं, लेकिन मैं जानती हूँ ऐसा कोई भी काम आसान नहीं होता। जीबी रोड, सेक्स वर्कर्स का कोई भी इलाका हमारे दिमाग में एक छवि बना देता है, और कोई भी परिवार नहीं चाहता कि उनके घर की जवान लड़कियां ऐसे इलाके में जाएं, भले ही अच्छा काम करने ही क्यों ना जा रही हो। ऐसी तमाम मुश्किलें गीतांजलि बब्बर के रास्ते में भी आई होंगी, बात करूंगी इनसे उन सारी मुश्किलों के बारे में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर यह है हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध, और आज जो मेरी बिग हीरो है उनका नाम है गीतांजलि बब्बर। कट कथा नाम का एक परिवार चलाती हैं ये। इनका परिवार काम करता है दिल्ली के जीबी रोड की सेक्स वर्कर्स के साथ। लेकिन जैसे ही मैंने गीतांजलि की कहानी पहली बार सुनी थी, तो एक ख्याल बहुत नेचुरली मन में आया था, आप सबके मन में भी आया होगा, कि इनके परिवार ने इन्हें इजाजत कैसे दी जीबी रोड इलाके में जाकर काम करने की। गीतांजलि, चार साल पहले शुरुआत हुई थी, कैसे? एक्चुअली ट्रांसजेंडर्स के साथ बहुत दिल से, मेरे को उनके साथ काम करने का बहुत सालों से इंटरेस्ट था, तो मैंने नाको ज्वाइन करा, और तभी मुझे जीबी रोड पे पहली बार जाने का मौका मिला। तो जब मैं फर्स्ट डे जीबी रोड पे गई थी और वापस आई, तो मैं 3 दिन तक सो नहीं पाई थी, मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी। लेकिन तब मैंने अपने पापा को नहीं बताया था, तब मेरे पापा के लिए मैं चावड़ी बाजार गई हूँ,
और फिर धीरे धीरे जब मैं और जाना शुरू हुई तब और कहानियां बतानी शुरू करी। तो तब पापा को लगता था क्या है ये फालतू की जगह। जब कटकथा शुरू करा तो पापा ने बोला था कि मेरे साथ चला करो और अगर कभी किसी ने पूछा कहाँ काम करती है तो बोलिए अजमेरी गेट पे। और आज वही पापा हैं कि मैं लास्ट ईयर दिवाली पर घर पर नहीं थी, मैं बाहर थी और मैंने बाहर से पापा को फोन किया क्या कर रहे हो, तो कहते अभी आया हूं तेरे जीबी रोड से, ऋतु ले गई थी इतने भीड़ भड़कके वाले कोठे के ऊपर, वहां पर कैसे तुम लोग काम करते हो। तो इट्स लाइक दिस इज अ जर्नी जिसपे केवल मैं नहीं हूँ, मेरे माँ बाप मेरा हाथ पकड़ कर उस जर्नी पर लेकर जा रहे हैं। वो कैसे चीजें बदली हैं चार साल में मुझे नहीं पता, बट बहुत ही सटल तरीके से मेरे माँ बाप ने मुझे रोका नहीं। रात को कभी 2 बजे जाना पड़ता है पुलिस स्टेशन, तो मुझे लगता है इस मामले में बहुत लकी रही कि मुझे उस फेज पे बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। बट हाँ, जो दूर के रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह ने बहुत बहुत बोला था, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे दोस्ती भी तोड़ दी थी, फेसबुक पे भी कुछ फ्रेंड्स ने अलग अलग चीज़ें लिखी थी कि क्या फालतू है फेम के लिए कर रही है, बट आज वही फ्रेंड्स हैं जो कटकथा की टी शर्ट पहनते हैं और बोस्ट करते हैं कि हम कटकथा से जुड़े हैं। मानसी, आप तो कानपुर से आई हैं, आपके घर में परिवार में कभी ये ऑब्जेक्शन नहीं हुआ रिश्तेदारों ने, ये नहीं कहा कहाँ जाती है जीबी रोड इलाके में क्यों जाती है? यस, रिश्तेदारों का तो बहुत ही ज्यादा है, दे आर लाइक एनजीओ व्हाई लीविंग द मेन स्ट्रीम, एनजीओ उनके लिए इट्स लाइक टाइम वेस्टेज। बट आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स कि वो बहुत सपोर्टिव हैं, स्पेशली माई मदर, कि द फर्स्ट टाइम आई डिसाइडेड टू यू नो ज्वाइन कटकथा एंड कम डाउन टू दिल्ली, सो आई वॉज ऑल्सो स्केप्टिकल कि कैसे करूँगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो ऑन दैट रोड। लेकिन फिर मम्मी ने फोन पे बोला नहीं तुम जाओ, वो भी तो विमेन ही है। वाओ, आपकी मदर ने आपको इनकरेज किया ये काम करने के लिए? यस। अब सबसे अच्छा पार्ट ये था कि उन्होंने बोला तुम जाओ 10 दिन देखो, 1 हफ्ता देखो, उसके बाद मैं भी आ जाऊंगी। अरे वाह। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मेरा छोटा भाई है और उसका स्कूल में बहुत कुछ रहता है। नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके माता पिता आप दोनों के, और मुझे लगता है जितनी भी और वॉलंटियर्स लड़कियां खासकर होंगी आपके यहाँ, वो समझते हैं कि आप लोग एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, आप उन सेक्स वर्कर्स की जिंदगी सुधारने के लिए वहां जा रहे हैं। और किस तरह से गीतांजलि का रिश्ता बना है उन छोटे बच्चों के साथ जो जीबी रोड की, अगर हम लोगों की भाषा में कहूँ तो, बदनाम गलियों में कैसे उन बच्चों की जिंदगी संवारने का काम ये कर रही हूँ, उनकी कहानियां मैं सुनूंगी इनसे बस सबसे कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारा खास शो बिग हीरोज, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर यह है हमारा खास शो बिग हीरोज, मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और आज मेरी बिग हीरो है कट कथा की गीतांजलि बब्बर। गीतांजलि, जब आपने 4 साल पहले जीबी रोड में जाना शुरू किया और वहां काम करना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है लोगों ने एकदम से तो आसानी से आपको एक्सेप्ट नहीं किया होगा, वहां की महिलाओं ने, उनके बच्चों ने। आज 4 साल बाद कैसा रिश्ता है आपका उन लोगों से? 4 साल पहले जब कटकथा नहीं था, जब ये सपना आया था कि काम करना है, तब मुझे एक्चुअली गालियां देके भगाया था और वहीं से ही मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी। तो मुझे सारी दीदियों ने मिलकर मतलब रुला दिया था गंदे से। और मुझे आज भी याद है कि मुझे जब बच्चों को बुलाना होता था स्कूल जाने के लिए, तो मेरे को नीचे खड़े होना पड़ता था कि आओ, मैं ऊपर भी नहीं जा सकती थी कि वो तैयार हो रहे हैं तो मैं ऊपर बैठ जाऊँ, मैं नीचे ही खड़ी रहती थी, इतना भी अलाउड नहीं था। और जो आज दीदी बहुत प्यार करती हैं कि बर्थडे पे भी रात को 12 बजे फोन जरूर करती हैं, वो उनका मुझे याद होती चल 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 मेरे बच्चों को नहीं पढ़ना, निकल निकल निकल, दिस वॉज द रिएक्शन। और आज वही दीदियां हैं जो बोलती हैं कि हमारे बच्चे नहीं हैं, अब ये आपके बच्चे हैं और आपको जो करना है। तो मेरे बर्थडे पे रात को 12 बजे उनका बेटा मेरे घर पर था और वो क्योंकि नहीं आ सकती थी और उनकी छोटी बेटी नहीं आ सकती थी, तो फोन पर पागल हो रहे थे कि हमें भी आना है, कल जरूर आना। और उनके ही कमरे में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। मुझे लगता है हम कटकथा में शायद बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे हैं हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, बट वो इतना प्यार लेकर आते हैं ना अपने अंदर, और वो दीदियों तक ट्रांसफर हो रहा है और And that is changing everything. अभी हमने recently जीबी रोड पे cleanliness drive करा था दिवाली से पहले, तो इतनी beautifully जो हम झाड़ू जहाँ पर लगा रहे थे वहाँ दीदियाँ आके झाड़ू लगा रही थी, पानी का पाइप अपने कमरे से देना, तो सुबह 8 बजे पूरा जीबी रोड चहल पहल हो गया था सफाई को लेकर। तो अभी तो वो परिवार हो गया है और एक परिवार में तो हर कोई एक्सेप्ट करता है एक दूसरे को। जी, आपने वॉलंटियर्स की बात की, मानसी आपकी वॉलंटियर है। मानसी, कोई एक इंसिडेंट आप शेयर करना चाहें जिसकी वजह से आप सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आई थी और 3 महीने हो गए हैं आप कटकथा के साथ जुड़ी हुई हैं, व्हाट हैज केप्ट यू गोइंग? सबसे बड़ा रीजन तो ये था रुकने का, बच्चे हमारे इतना ज्यादा एक्सेप्टेंस और प्यार और लव देते हैं ना कि ऐसा लगता ही नहीं कि हम पहली बार एंटर कर रहे हैं या कभी मिले ही नहीं है या वो हमसे थोड़े अलग होंगे या कुछ भी इस तरह का। वो ऐसे हाथ खोल के ऐसे गले मिलते हैं कि अच्छा अच्छा मैम आई है, नहीं मैम आई है, अरे और आपके साथ फर्स्ट आर में इतने घुल मिल जाएंगे कि लगेगा सदियों पुराना रिश्ते हैं हमारे। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी यहाँ तो बनता है रुकना और एक्सप्लोर करना है, कुछ करना है।
इस टाइप से. कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों की बातें सुनके. हम लोग इन इलाकों को, इन ब्रॉथल्स को ऐसा सोच ही नहीं पाते कि एक सामान्य यहाँ पर भी लोग रहते हैं. और बहुत जरूरी है कि अगर हम सब लोग ये ठान लें कि इनको भी मेन स्ट्रीम से जोड़ना है, तो शायद अपने मन से, अपनी इच्छा से इस प्रोफेशन कहें या इस काम कहें में आने वाली महिलाएं ज्यादा नहीं होती. अगर हम कोशिश करें तो इन महिलाओं को हम मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, इनके बच्चों को वापस उसी सेक्स वर्क के जाने से बचा सकते हैं. कैसे ये सब हो सकता है, कैसे हम आपके साथ जुड़ सकते हैं और कैसे बहुत सारे बच्चों की जिंदगी हम बदल सकते हैं जो हमारी मदद के बिना शायद वहीं ब्रॉथल्स में जीते रहेंगे और एक के बाद एक और लड़कियां, नई नई लड़कियां इस धंधे में जुड़ती चली जाएंगी, ये मैं आपसे जानूंगी अब से बस कुछ ही देर में. आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर. ये हमारा खास शो बिग हीरोज और मेरी बिग हीरो है गीतांजलि बब्बर. कट कथा यानी कठपुतली की कथा. कठपुतली कौन? जीबी रोड पर काम करने वाली सेक्स वर्कर्स. और इन्हीं सेक्स वर्कर्स उनके बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने का काम कर रही हैं गीतांजलि बब्बर, जो कि आज है मेरी बिग हीरो. नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुनने वाला खास शो बिग हीरोज में हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध. गीतांजलि, हमने ये तो जान लिया कि आप क्या करती हैं, कैसे आपने शुरुआत की और कैसे एक रिश्ता बन गया है आपका ये जो सेक्स वर्कर्स हैं, दीदियां जिनको आप कहते हैं, दीदी और उनके बच्चों के साथ. लेकिन कोई भी काम सफल तभी हो सकता है जब बहुत बड़ी संख्या में लोग आपके साथ जुड़े, आपको सपोर्ट करें और आपको अपने काम को बड़ा करने में मदद करें आपकी. हम लोग अगर कटकथा से जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? कहने को बहुत आसान लगता है जीबी रोड पर काम करना, बट दूर से लोग जुड़ते भी हैं और दूर से लोग प्यार भी देते हैं अपना. बट बहुत जरूरी है हमें कि उस सड़क पर लोग आएं और काम करें, उन कोठों में जाकर दीदियों को पढ़ाएं, वहां पर अब वो तैयार हैं पढ़ने के लिए. सो अगर कोई हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहता है जो वहां पर आकर हमारे साथ मदद करे, तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है. और हम लोग को फंड रेजिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि नो कॉर्पोरेट वॉन्ट्स टू कनेक्ट देमसेल्व्स विद जीबी रोड. तो बाहर से सुनना बहुत आसान लगता है, बट जब भी हम किसी कॉर्पोरेट के पास जाते हैं तो या हमारी लॉज में नहीं आता है कि हम लोग सेक्स वर्कर्स के साथ काम करें. आई रियली वांट कि अगर कॉर्पोरेट्स नहीं तो इंडिविजुअली अगर हम लोग फंड्स में मदद कर पाएँ तो या हमारे सपनों का एक घर है जो हम बनाना चाहते हैं बहुत जल्दी, हॉस्टल अपने बच्चों और दीदियों के लिए, तो वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा. अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप छोड़कर जाना चाहेंगे आज हमारे लिसनर्स के लिए? सो हमारा ईमेल आईडी है कटकथा, जिसका स्पेलिंग है katkathaa@gmail.com. और फेसबुक पे हम लोग बहुत एक्टिव हैं कट-कथा के नाम से, तो वहाँ पर भी आप हमें मैसेज छोड़ सकते हैं. और हमारा एक फ़ोन नंबर है जिसपे आप नरेंद्र से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका नंबर है 9015811227, 9015811227. चलिए, तो उम्मीद करेंगे कि बहुत सारे लोग आपको फोन करें. दिल वालों की दिल्ली है ये, और हमें अपने दिल और दिमाग से ये बात अब निकालनी होगी कि जीवी रोड एक ऐसा इलाका है जिसके बारे में ना बात करनी है ना उस इलाके में जाना है और वहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करनी है. थैंक यू सो मच गीतांजलि हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी इंस्पायरिंग कहानी हमें सुनाने के लिए. चलते चलते कोई गाने की फरमाइश करना चाहेंगे आप? एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, जिसको हम लोग प्रेयर की तरह यूज करते हैं, तो मैं वो आज सभी लोगों को डेडिकेट करना चाहती हूँ. और चलिए, लता जी की आवाज में आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं गीतांजलि सभी लिसनर्स के लिए डेडिकेट करना चाहती हैं, और मैं जीबी रोड के उन सारे प्यारे प्यारे बच्चों को ये गीत डेडिकेट करती हूँ, आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं. 92.7 बिग एफएम पर आपने सुना बिग हीरोज, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध.